सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। टैलेंट होने से कुछ नहीं होता, सफलता पाने के लिए आपको उसका उपयोग करना होगा। संघर्ष के समय आदमी अकेला होता है, जबकि सफलता मिलने पर दुनिया उसके साथ होती है। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा परखने का नहीं। आज का पंचांग 3 अगस्त 2021 दिन मंगलवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 1 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 1:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:48 से 5:26 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि, आप आज अपने परिवहन के साधन से परेशान हो सकते हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो अपने लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था कर लें और कोई बैकअप योजना तैयार रखें। आज आप किसी भीतरी उलझन से परेशान हैं, लेकिन शांति बनाए रखें, यह समय जल्द ही बीत जाएगा। परिवार के साथ समय बिताएं। आज के दिन आपके शत्रु आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, इनसे आपको घबराना नहीं है। आज अपने कुछ कामों को संतान की मदद से पूरा करेंगे, जिसे देख मन में प्रसन्नता होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा। संध्या काल का समय आज आपकी माता जी से कोई वाद विवाद हो सकता है, जिसमें आपको अपनी वाणी की सौम्यता को बनाए रखना होगा, नहीं तो यह आपके रिश्ते में दरार डाल सकती है। और बड़ों की बात मानना अच्छी बात है। अच्छा, आपको खूब सम्मान पहचान पैसा और सफलता मिलेगी। आज आप इस स्थिति में है कि अपने विचारों को क्रियान्वित कर सके। जिंदगी ने आपको जो कुछ भी दिया है और जिस दिशा में आपको ले जा रही है, उसे आपको संतुष्ट रहना चाहिए। लोगों से आपके बहुत अच्छे संबंध है, जिसका उपयोग आप अपने लिए नए अवसरों के द्वार खोलने में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप सफलता को सिर न चढ़ने दें। आज मजे और आराम करने का दिन है। सामाजिक गतिविधियां आज आपके लिए बहुत सारे खुशियां लेकर आएगी। आपके जीवन में हाल ही में जो बदलाव आए हैं, उनसे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपनी आगे की जीवन यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सावधानियां, अपने दरवाजों को ठीक से बंद करके रखें, नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपका पूरी तरह से सुरक्षित हो, वरना बेकार का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने कीमती सामान को यूं ही कहीं रख कर भी ना छोड़ें, पछतावे से सुरक्षा भली। बात करते हैं लव लाइफ की। जहां तक संबंधों का सवाल है, दिन अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ एक शांत समय का आनंद ले पाएंगी। जो आपके पास है उसी के साथ खुशियां मनाएं। छोटे मोटे घरेलू मामलों में अगर आप पार्टनर की सहायता करेंगे तो आपके संबंध में इससे एक तरह की संतुष्टि आएगी, जिससे आपको खुशी और आपके प्यार को एक नया आयाम मिलेगा। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपका और निवेश और धन पर रहेगा। अपने आप पर नियंत्रण रखें। आज के दिन संपत्ति के बारे में खोज खबर कर सकते हैं। ये किसी भी तरह के धन वृद्धि व्यापार में ना फंसें। वेतन वृद्धि के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर ध्यान दबाव ना डालें, इसके लिए अभी सही समय नहीं है। उत्तम रहेगा कि अपने वर्तमान संगठन में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। बात करते हैं सेहत की। आज सेहत और ऊर्जा दोनों ही आपके मजबूत पहलू हैं, जो काम असंभव नहीं लगता और आप सब काम निश्चित समय में बिना कोई परेशानी पूरा कर लेंगे। वास्तविक में आप अपना ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं कि पिछले लंबे समय से कोई मेहनत का
काम ना करने के बावजूद आप दौड़ या जिम के लिए जा सकते हैं। आपकी शारीरिक फिटनेस जीवन के सभी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से भरे हुए हैं। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।